नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्ति अग्निहोत्री। असत्य पर सत्य की जीत पर मनाया जाने वाला यह महापर्व, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयदशमी की, जो कि नवरात्र के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रभु राम ने लंकापति रावण का वध किया था। ऐसा भी माना जाता है कि माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का अंत भी किया था। इसलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली के नेहरू नगर में शिवराम लीला क्लब द्वारा विजयदशमी के दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रोड शो से की गई, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मौजूदा अतिथिगणों को सम्मानित किया गया और उन्होंने सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और सभी से प्रदूषण मुक्त भारत बनाने की अपील की। इन सभी के सहयोग से हम इस मंच को हर साल आप सभी के बीच में लाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी हमारे क्लब को हर साल अपना भरपूर सहयोग देते हैं। इन्होंने हमें वचन दे रखा है, जब जब आप इस मंच को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपका भरपूर सहयोग करता रहूंगा। शिव राम लीला क्लब के सभी पदाधिकारीगण, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब गोपाल कोचर जी और इनके सभी पदाधिकारीगण जो भी हैं यहाँ पर मुझे बुलाया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन से हमको सबको यही यहाँ से विचार लेकर जाने चाहिए कि हमें जुल्म का रास्ता नहीं अपनाना, हमें प्रेम का रास्ता अपना अपना है। लोगों की मदद करनी है, जितनी भी हो सके लोगों की मदद करें। मैं विजयदशमी की अपने जंगपुरा विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को, सभी बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को मैं मुबारकबाद देती हूँ आज की विजयदशमी के उपलक्ष्य में। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगी कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने किया, अच्छाई पर बुराई की जीत हुई, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा समाज, हमारा देश उन्हीं के पदचिन्हों पर चले और अपने देश का गौरव बनाए। और शिव रामलीला क्लब वालों को जो समय समय पर मुझे बुलाकर मेरा यह मान सम्मान बढ़ाते हैं, उसके लिए भी दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से कामना करता हूं कि शिव रामलीला क्लब इसी तरीके आपका साथ धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्र की सेवा करते रहे। मेरा पहले भी इनको सहयोग हमेशा रहा है और जब तक मैं जिंदा हूँ इनके साथ एक नेता बनकर नहीं, एक भाई, एक छोटा सा व्यक्ति बनकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा हूं और आगे भी चलता रहूंगा। शिव राम लीला कमेटी है, इन सभी लोगों का नाम ना लेते हुए मैं कहूंगा कि बहुत बहुत मैं इन लोगों का साधुवाद करता हूं। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करूंगा कि जैसा दीपावली आने वाला है, हम सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हमारे घर घर में लक्ष्मी हैं, पत्नी स्वरूपा लक्ष्मी है, हमारी बेटियां लक्ष्मी होती हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ और बहनों का सम्मान करें। दशहरा के इस पावन पर्व पर मैं शिव रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी बंधुओं को नमन करता हूँ, जो हमारी नस्ल को, जो हमारी युवा पीढ़ी को, जो हमारे बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, बुरा व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो,
उसका अंत निश्चित है। इस शिवलीला कमेटी का, क्लब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो आज की इस आधुनिक दुनिया में भी इस रामलीला का मंचन इस तरीके से कर रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी को प्रभु राम के चले आए हुए रास्ते पे आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। तो आज हमें भी उस तरीके से धर्म का साथ देना है, असत्य को छोड़कर सत्य का साथ देना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तरह तरह के स्टेज शो का प्रदर्शन हुआ, जिसमें सुंदर झांकियों ने भीड़ का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान सतयुग के रावण का तो वध हो गया, लेकिन हमारे समाज में मौजूद रावण का अंत कब होगा? नेहरू नगर के रामलीला मैदान में इको फ्रेंडली रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला को जलाकर देखने को मिला। इस इको फ्रेंडली पुतले को जलाकर लोगों को प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए जागरूक किया गया। बाकी की खबरों के लिए बने रहे NBC हिंदी के साथ। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।